और काम के लिहाज से मैं बहुत ही सुस्त हो गया हूँ। रोज सुबह निकलता लेट हो जाता हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूँ। 9 बज गए, ये देखिए 9 बज गए, फिर भी निकलते निकलते। तो आज मंडे यहाँ, तो देखते हैं कि आज काम कैसा रहता है। गाड़ी वॉश हो गई भी है, ये रहा मेरा खाना, मेरा ड्रिंक। ड्रिंक को यहाँ रख देता हूँ, ऑयल पानी चेक करते हैं गाड़ी का। हल्का सा कम है पानी, रोज इतना इतना कम होता है। ऑयल सेट है गाड़ी का, पानी हल्का सा कम है, लेकिन आज पानी डालता नहीं हूँ, देखता हूँ कल कितना कम होगा। आज ये निशानी है यहाँ पे, कल गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी वो बाहर से तो साफ कर देता है, लेकिन अंदर से खुद ही साफ करनी पड़ती है। कपड़ा शपड़ा मार के हल्की फुल्की जो मट्टी होती है, लोग बैठते हैं तो पाँव से जो मट्टी आती है वो साफ करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात लोग कुछ चीज़ें खा पी के, पानी पी के, जैसे बॉटल रख देते हैं या कुछ खाते हैं तो उसके रैपर्स अंदर ही फेंक देते हैं। बाज़ लोग लेके चले जाते हैं रैपर साथ, लेकिन बाज़ लोग फेंक भी देते हैं। लेकिन इतना गंद नहीं होता है। खाना पीना ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं गाड़ी में, जैसे हम लोग खाते हैं गाड़ी में बच्चे बैठ के, वैसे ये लोग नहीं खाते। अमूमन गाड़ी साफ़ ही होती है, बस झाड़नी पड़ती है जो मट्टी शट्टी पाँव से आती है, बस वही साफ़ करना। ये है गाड़ी की आज की रीडिंग, 3,46,651। यस स्टार्ट। और ये डला पेट्रोल 144 दिरहम का, 47 लीटर। तो जी हो गया टाइम 9:17, और इसको ऑन कर लेते हैं उबर को। इसको गाड़ी कंफर्मेशन चाहिए, शिवरलेट ट्रेवर्स ही है भाई। और फिर उबर ऑन हो गया तो करीम भी ऑन कर लेते हैं। चलें जी, 9:70 पे ऑन हो गई दोनों चीज़ें, तो अब निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके, और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और टोटल अर्निंग आज की कितनी आती है। करीम का पहला मैसेज आ गया जी 10:12 पे, बड़े लेट मैसेज मिला आज। तो करीम का पहला ट्रिप हुआ है जी, बिजनेस बेस है, हेल्थ केयर सिटी में, 32 दिरहम्स। शुरुआत हुई काम की आज की। तो जी ये गेस्ट को ड्रॉप कर दिया, उबर वाला पहला ट्रिप कंप्लीट, 5 स्टार रेटिंग भी दे दो इसको। पैसे कितने आए भाई वो बताओ, रोकड़ा कितना मिला? तकरीबन 20 दिरहम, 19.90। गाइस ये आ गया करीम का दूसरा ट्रिप, करीम का दूसरा और उबर का एक, देखते हैं इसकी तरफ चलता हूँ ये कहाँ जा रहा है। करीम के इस ट्रिप का आएगा जी 24 दिरहम्स। उसको छोड़ने के बाद उबर का ट्रिप आ गया। आज मैं फिर फंस गया इधर ही डेरा और बड़ी दुबई के दरमियान, देखते हैं आज कितने बजे तक निकलूंगा यहाँ से। इस एरिया में ट्रैफिक बहुत होती है और छोटे छोटे ट्रिप ही लगते हैं। 15 दिरहम आए हैं जी उबर का जो लास्ट ट्रिप था उसके, 50। अब दो हो गए ट्रिप उबर के और दो ही करीम के। ये देखिए ये जो ट्रिप है ना, ये होता है एक्सेल का ट्रिप। सिटी वॉक से एयरपोर्ट पे उसको छोड़ा है और 48 दिरहम आए हैं। इसका रेट जो है ज़्यादा होता है, लगेज इनका ज़्यादा था, लोग तो दो ही थे। गाइस अभी टाइम हो गया है जी 1:15, भूख लग गई है तो थोड़ा खाना खा लेता हूँ। खाना हम लोग तो गाड़ी में खाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि कहीं पे बैठ के बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएं, और वैसे भी मुझे बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, एलर्जी है मुझे बाहर के खाने से। ऑयल इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा मसाले डाले होते हैं, मुझे पसंद नहीं है ये, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें। तो चावल खा लेता हूँ थोड़ा सा, और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब आप मुझे ईमेल करते हैं और मैं आपको नंबर अपना फॉरवर्ड करता हूँ, तो काइंडली प्लीज़ कोशिश कीजिए कि किया करें आप लोग के जब आप कॉल करें या मैसेज करें कुछ भी, तो रात को 9 बजे के बाद कॉल किया करें।
दिन के टाइम अगर कोई कॉल करता है, जब कॉल आती है मोबाइल के ऊपर, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, तो उस टाइम जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा। तो जितनी देर मैं फ़ोन के ऊपर बात करता रहूँगा, उतनी देर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट रहेगा। और जितनी देर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट रहेगा, तब तक अगर कोई मुझे उबर क्रीम का मैसेज भी आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता। अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इंटरनेट ना होने की वजह से मिस हो जाएगी मुझसे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप कॉल करें तो कोशिश करें कि रात को 9 बजे के बाद कॉल करें, ताकि मैं भी फ्री हूँ और आपको रिप्लाई कर सकूँ अच्छे तरीके से और आपको समझा सकूँ चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप कोशिश करें कि जब आप कॉल करें तो रात को 9 बजे के बाद, ताकि चीज़ें आराम से हो सकें, मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ और आपको भी जो है चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं सही से समझ आ जाए। देखिए कोई प्रॉब्लम हो गई है उबर के साथ, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ट्रिप आ गया, ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहे। ये देखिए ये ऑन हुआ, ये ट्रिप भी शो हो रहा है यहाँ पे पिकअप मैनुअल, और बाद में फिर ऑफलाइन हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। उबर के साथ पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है मेरा, करीम के साथ तो होती रहती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये देखिए पिकअप का नाम आता है, पिकअप आता है उसका नाम आता है और बाद में दोबारा से ऑफलाइन हो रहा। दुबई मॉल में छोड़ा था गेस्ट को और दुबई मॉल से ही फैशन एवेन्यू का एक और ट्रिप आ गया। तो जी ये गारंटी का दूसरा ट्रिप आया है जो ये बोनस मिलता है। अभी हो गया 3:50 और ये दूसरा ट्रिप आया मुझे अभी तक। अभी ये क्विस्ट के 2 ट्रिप तो हो गए, 5 करूँगा तो 50 dirhams मिलेंगे। ऊबर का वैसे हुआ अभी तक 194। गारंटी के लिए मैं बैठा रहता ना तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता, इसलिए मैंने क्रीम ऑन किया और क्रीम पे ट्रिप आ गया मुझे। ये लोग ऐसे ही करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं आपका, कि आप गारंटी के लालच में टाइम वेस्ट करोगे। क्रीम का ट्रिप करने के बाद फौरी तौर पे आ गया जी ऊबर का ट्रिप अगला। इसके मैंने 2 ट्रिप कर ली हैं और ये तीसरा ट्रिप है, और ये मतलब 2 कर ली ऊबर के, 3 और करूँगा तो 50 dirham एक्स्ट्रा मुझे बोनस मिल जाएगा। अमीर सेलेक्ट का ट्रिप है, छोटी गाड़ी का। ये गेस्ट को मैंने ड्रॉप किया यहाँ पे टर्मिनल 1 पे, और यहाँ से ही मुझे टर्मिनल 1 का पिकअप मिल गया, एयरपोर्ट का पिकअप। ये देखिए ड्रॉप करने के बाद नॉर्मली यहाँ पे क्यू लगी होती है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे नज़दीक था, टर्मिनल 1 के ऊपर ही था, और ये पिकअप भी जो है टर्मिनल 1 का ही है। अब जा रहा हूँ इसको पिकअप करने के लिए। मैं इसको करीम को ऑफ करना भूल गया, करीम का भी अब मैसेज आ रहा है बीच में। अब तो मैंने ले लिया उसका मैसेज ऑलरेडी, अब इसका कैसे ले लूँगा। ये है जगह जहाँ से पिकअप होता है, यहाँ से टिकट लेंगे, यहाँ से लेंगे ये टिकट लेके तो चले जाएंगे अंदर। एयरपोर्ट से उठा के इसको मैंने छोड़ा है मीडिया सिटी, 66 dirham इसकी आई, और टोटल ट्रिप हो गए हैं 347 हुआ है उबर का अभी तक, और पॉइंट्स 30 हो गए आज। अच्छा जी, अच्छा वो 50 हो गए भाई, वो 50 मिल गए। अब 2 ट्रिप करूँगा तो 50 और मिल जाएंगे, लास्ट वाले 2 ट्रिप रहते हैं, पिछले 50 dirham आ गए, अगली दौड़ शुरू। ये देखिए जी यहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो गई है। दूसरे बोनस के लिए मेरा 1 ट्रिप हो गया और 1 ट्रिप बाकी है, और अभी जो टाइम हुआ है 5:53, यानी कि मुझे सिर्फ 1 ट्रिप और करना है और मुझे बोनस मिल जाएगा 50 dirham का, 50 का पहले मिला और 50 का और मिल जाएगा। अभी तक का उबर का टोटल काम हो गया कितना भाई, 365, और अभी 50 का बोनस मिलना है और 1 ट्रिप अभी बाकी है। अच्छा अब यहाँ सिर्फ 1 ट्रिप चाहिए मुझे दूसरे बोनस के लिए, तो अगर मुझे 1 ट्रिप मिल जाता है अभी, मतलब अभी 1 घंटा और 6 मिनट बाकी पड़े हैं, अगर 1 ट्रिप मुझे अभी मिल जाता है या थोड़ी देर में, तो बाकी का जो टाइम होगा ज़रूरी नहीं है कि मुझे उबर के साथ ही काम करना है। मतलब कि जब मेरी दूसरी गारंटी के पैसे, दूसरा बोनस मुझे मिल जाएगा, तो उस टाइम मैं चाहूँ तो उबर को बंद करके तो करीम के भी काम कर सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी है मैं उबर पे काम करूँ या करीम पे करूँ या दोनों पे करूँ।
वो मुझ पर डिपेंड करता है। उबर फिर बॉन्ड नहीं करेगा आपको कि दूसरा भी आपने दो बोनस लिए उबर से और आपने काम आगे काम नहीं किया। उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट पहले बोनस के लिए 5 ट्रिप और दूसरे बोनस के लिए 2 ट्रिप, तो मुझे बस वही कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं चाहे मेरी मर्जी है, चाहे मैं काम करूं ना करूं, उबर पे करूं, करीम पे करूं या जो भी करूं। तो अब देखना है कि दूसरा ट्रिप जो है वो कितनी देर में मिलेगा, मतलब लास्ट ट्रिप जो है, लास्ट ट्रिप जो मुझे चाहिए बोनस के लिए, वो अब मुझे देखना है जी उसके लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। अभी जो मैं हूँ टीकॉम के एरिया में, टीकॉम का जो एरिया है ये है जी रेजिडेंशियल एरिया। तो रेजिडेंशियल एरिया में शाम का टाइम है तो ट्रिप निकलना मुश्किल होता है, तो हमें कहाँ पे जाना है, कमर्शियल एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे ऑफिसेज हैं। और टीकॉम के एरिया के आसपास जो ऑफिसेज हैं, जो सबसे ज़्यादा काम मिलता है, वो है जी मीडिया सिटी। तो अब मुझे जाना है मीडिया सिटी अपने एक लास्ट ट्रिप के लिए, मुझे एक लास्ट ट्रिप चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ से मर्जी काम करूँ, ऊबर से करूँ या करीम से, लेकिन ये बोनस लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अभी मैं चलता हूँ मीडिया सिटी में, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसेज हैं और वहाँ से एक ट्रिप निकालना इजी होगा यहाँ की निस्बत। यहाँ पे हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, ट्रिप तो निकल आएगा लेकिन टाइम शायद ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम कीमती है भाई, टाइम ज़ाया नहीं करना आपने कभी भी फजूल इधर उधर घूमते हुए। फोकस हर वक्त काम के ऊपर ही होना चाहिए आपका। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी मीडिया सिटी की तरफ और देखते हैं कितना टाइम लगेगा अगले ट्रिप में। ये ट्रिप आ गया जी, 6:01 हुए और ये ट्रिप मिल गया, जो एक ट्रिप मुझे चाहिए था अपना बोनस लेने के लिए। तो अब ये ट्रिप कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं फिर फ्री, चाहे काम करूँ ना करूँ, उबर पे करूँ, करीम पे करूँ, किसी पे भी करूँ, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे और मेरा बोनस मिल जाएगा और मैं किसी भी फ्री होके कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। ये देखिए जी, ये दोनों बोनस मिल चुके हैं मुझे, 12 ट्रिप हुए हैं ये वाले जो 12 ट्रिप ऊपर आ रहे हैं, और ये है जी 100 प्रमोशन जो लिखा हुआ है, ये है बोनस जो मिल चुका है। ट्रिप पूरे हो गए, क्विस्ट पूरे हो गए मेरे, जो ट्रिप मुझे पहले 5 ट्रिप करने थे वो ट्रिप कर लिए, और उसके बाद जो 2 करने थे वो भी कर लिए। जो 5 ट्रिप के 50 थे, 50 दिरहम, वो बोनस वो मिल गया, और जो बाद में किए 2 ट्रिप उसका बोनस अलग से मिल गया। तो अभी तक मेरा टोटल टारगेट हो गया 434 का, और जो मैंने एयरपोर्ट से पिकअप किया था 25, वो भी बीच में शामिल होंगे, मतलब 40 और 460 हो गया उबर तक, उबर का अभी तक। तो कुछ 50-60 मेरा ख्याल है क्रीम के भी हैं, और अभी टाइम हो गया 6:00। ये देखिए जी, अभी 6:00 और अभी टाइम भी है, तो इजी नहीं होना है, रिलैक्स नहीं करना, ढूंढते हैं और काम, और किस जगह पे काम मिलेगा। यहाँ देखिए जी, ये इनका मैसेज आ रहा है, कंग्रेट्स यू अर्न 100 द फुल अमाउंट फॉर द क्विस्ट। मेन चीज़ जो होती है कि आपका ट्रिप निकालना, मतलब आप किस एरिया में के नज़दीक हैं और वहाँ से कैसे ट्रिप निकल सकते हैं, मतलब वहाँ से आसपास एरिया कौन सा है और किस एरिया में जाएंगे तो आपको ट्रिप इजीली मिल जाएगा बाकी एरिया की निस्बत। क्योंकि जहाँ पे आपने गैस को ड्रॉप किया तो वहीं पे अगर खड़े रहेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, या आपको पता नहीं है आगे पीछे एरियाओं का, तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है उसमें। ट्रिप तो मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आप खड़े हैं उधर खड़े हुए ही ट्रिप मिल जाएगा, लेकिन उस पर हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बेहतर है कि इर्द गिर्द जो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जो बिजी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ से जल्दी से ट्रिप लीजिए और निकल जाइए। और जी यहाँ पर ट्रिप मिल गया करीम का, चलो जी इसको भी उठाते हैं, देखते हैं। करीम का जो ट्रिप आया था लास्ट वाला, उसमें 31 दिरहम आए और उसको मैंने छोड़ा है मरीना में, लेकिन यहाँ पे खड़े होके वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ट्रिप का, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सारा एरिया रेजिडेंशियल एरिया जी, तो इस टाइम यहाँ से ट्रिप निकलना, मतलब निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इस टाइम यहाँ से ट्रिप नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा JLT वाली साइड पर, या मरीना में थोड़ा चक्कर लगा के घूम के देखता हूँ, करके मैसेज आ जाता है तो, लेकिन प्रायोरिटी JLT उस साइड पे जाना चाहिए इस टाइम। अभी टाइम जो हुआ है वो टाइम हुआ है जी 6:49, तो देखते हैं कि आगे ट्रिप जो है कब तक मिलेगा। 42 दिरहम्स मरीना से एक
अलकूस में लाकर छोड़ा इसको। 42 दिरहम ये आए, और इससे पहले एक ट्रिप क्रीम का ही किया था, वो भी छोटा ट्रिप था, 16 दिरहम शायद उसके आए थे। अब टाइम हो गया जी 8 बज गए, तो मेरा ख्याल है कि मैं डिवाइस अभी मैंने बंद तो नहीं किए, अभी यहाँ नहीं है, लेकिन नीयत मेरी ख़राब हो गई है कि अब घर की तरफ चलता हूँ। 7:55 हो गए, 7:55 हो गए, तो देखो अगर कुछ जाते हुए मिला तो सही, नहीं तो घर के नज़दीक पहुँच के डाउनटाउन बिजनेस बे के पास पहुँच के, क्योंकि अलखेल रोड से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके बंद कर दूँगा कि आगे से काम ना आ जाए, वापस इस तरफ ना आ जाओ। नहीं अभी मैं हूँ अलकूस के एरिया में। तो जी सबसे पहले देख लेते हैं कि करीम के कितने ट्रिप हुए। नीचे से स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रिप हो गए करीम के, 42, 13, 31, 14, 24 और 32 प्लस कर लें 25, एयरपोर्ट से जो पिकअप किया था एक उसका 25 इसमें प्लस होगा, 434 प्लस 25 और प्लस ट्रिप 42 + 13 + 31 + 14 + 24 + 32 ये हो गया 625 हो गया जी आज का काम 11 घंटे में, 11 घंटे की जो एवरेज 625 दिरहम की हो गई, जो आज मंडे का दिन, तो आज की जो अर्निंग हुई है, तो टोटल 625 का टारगेट हो गया आज का 11 घंटों में। तो दर जो ट्रिप हैं, ट्रिप अब देखते हैं कि ट्रिप टोटल ट्रिप कितने हुए हैं। ऊबर के जी 12 ट्रिप हैं, और करीम के अगर बीच में प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 15 से लेके 20 ट्रिप तक जो काम होता है वो अच्छा खासा काम गिना जाता है, ये ट्रिप है टोटल 18। अच्छा इस पे हुआ क्यों है कि पैसे क्यों कम बने, नंबर एक तो जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 11 घंटे हैं, और उसके अलावा मतलब ट्रिप 18 हैं, ट्रिप बहुत हैं, ट्रिप कम नहीं है, 18 ट्रिप मतलब अच्छा खासा काम होता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ट्रिप हैं उनमें से ज़्यादातर जो ट्रिप हैं वो छोटे ट्रिप ही लगें, इस वजह से पैसे कम बने। और 11 घंटों में, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि 11 घंटों में 600 कितने बने थे, 11 घंटों में बन गया 625 दिरहम।